आगे चलते हैं। पावर कट जाने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। 33 के तीसरा प्रश्न है, एक उदग्र मीनार देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस बनाना बहुत ही सिंपल है, खाली जो भाषा कह रहा है उसके अनुसार आप बेफिक्री से उसको पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, बाकी आसान है। एक उदग्र मीनार एक क्षैतिज तल पर खड़ा है, एक उदग्र मीनार है तो मैं एक मीनार खड़ा कर दिया, उदग्र मीनार कहा तो मीनार खड़ा रहेगा, तो इस तरह से मैंने एक मीनार को खड़ा कर दिया। कहता है कि इसके शिखर पर, मीनार के शिखर यहाँ होगा, एच ऊंचाई का एक ध्वज दंड है, तो एच ऊंचाई का एक ध्वज दंड खड़ा कर दिया, यह ध्वज दंड है। क्षैतिज तल पर के एक बिंदु से, क्षैतिज तल पर का एक बिंदु है जिससे ध्वज दंड के पाद, देखिए ध्वज दंड के पाद, यह ध्वज दंड है इसके पाद एवं शिखर कोण, पाद एवं शिखर, ध्वज दंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज दंड के पाद एवं शिखर, तो पाद से पहले मिलाइए और फिर देखिए पहले पाद से मिला दिए, ठीक है, फिर इसी को शिखर से मिला दिए, उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा एवं बीटा है, पहले जो है उसको पहले और बाद में उसको बाद में लिख दिए। तो कहता है सिद्ध करें कि मीनार का ऊंचाई, इसको मान लीजिए ए बी सी डी, अब आपको इसी तरह से सिद्ध करना है। तो माना यहाँ, माना मीनार, मीनार बी डी है, ध्वज दंड, ध्वज दंड ए डी बराबर एच, इसलिए ए बी बराबर आप चलिएगा यहाँ से यहाँ तक तो होगा ए डी प्लस बी डी, आपको कोण देखिए, अब चल दीजिए, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करे प्रूव दैट मीनार की ऊंचाई, मानो बी डी बराबर मीनार की ऊंचाई, आपको क्या कह रहे हैं, बी डी बराबर आपको सिद्ध करना है एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, आप जैसे बनाते हो वैसे ही बनाए, फल की चिंता ना करें, कर्म करें। अब त्रिभुज देखिए ए बी सी में, मैं बड़ा में चला तो आपको देखिए यह बड़ा से बड़ा, यह दोनों में शामिल है, तो चलेंगे टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, टेन थीटा, थीटा के जगह पर आपको बड़ा त्रिभुज में क्या दिया है, देखिए ए बी सी में बड़ा त्रिभुज में बीटा है, तो टेन बीटा ए बी के जगह पर देखिए ए बी यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान से देखिए ए बी, तो ए बी के जगह पर आपको होगा ए डी प्लस में बी डी, अब ए डी के बट्टा में बी सी, टेन बीटा के आप टेन बीटा ही छोड़ दें, आप ए डी के जगह पर देखिए एच प्लस बी डी के जगह पर बी डी जो मीनार है, और बी सी भी आपको बी सी है, उसी तरह आप त्रिया गुना करके यहाँ से मान बना लीजिए, इसलिए देखिए आपको होगा बी सी टेन बीटा, बी सी इंटू टेन बीटा बराबर एच प्लस बी डी, आप इसको समीकरण फर्स्ट कर लें, फिर चलिए फिर त्रिभुज छोटा में डी बी सी में, जब आप डी बी सी में चलिएगा तो देखिए यह कॉमन है टेन थीटा बराबर बी डी बटा बी सी, अब थीटा के जगह पर टेन अल्फा है, और बी डी के आप बी डी छोड़ दीजिए और बी सी के बी सी छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए, इसलिए आपको आ जाएगा यहाँ से मान, आपको क्या चाहिए, आपको सिद्ध करना है यह मीनार यानी बी डी के ऊंचाई मान निकालना है, तो बी सी वाला कहीं में पटक दीजिए, तो देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिसको निकालना है उसको छोड़ दीजिए, दूसरका को पटक दीजिए, तो यहाँ से बी सी का मान निकालिएगा, तो बी सी बराबर होगा बी डी बटा टेन अल्फा, यहाँ से त्रिया गुना कर लीजिए, बी सी बराबर बी डी बटा टेन अल्फा, ये बी सी के मान को अब एक में रख दीजिए, अब बी सी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो एक में देखिए बी सी के जगह पर आ जाएगा बी डी बट्टा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर में एच प्लस बी डी, अब देखिए अब ये तो ऊपर में हो जाएगा, ये सब गुना में एक तरह से हो जाएगा, तो यहां से त्रिया गुना करेंगे, तो त्रिया गुना करेंगे तो थोड़ा ध्यान दें, त्रिया गुना करिएगा तो ये तो सब एक में आ जाएगा, गुना होकर के देखिए बी डी इंटू टेन बीटा बट्टा टेन अल्फा बराबर देखिए एच प्लस बी डी, एच प्लस बी डी, एच प्लस बी डी है, अब यहां से त्रिया गुना करिएगा तो देखिए इसको करेंगे तो होगा एच टेन अल्फा प्लस, एच टेन अल्फा प्लस में बी डी टेन अल्फा
बराबर बी डी टेन बीटा। अब आप देख लीजिए, आपको बी डी का आंसर निकालना है, किसका आंसर निकालना है, बी डी का, इसलिए बी डी को अपनी ओर ले आनी है, तो बी डी को अपनी ओर इसको उधर भेज रहे हैं, इसको उधर भेज रहे हैं, तो देखिए आपको होगा बी डी टेन बीटा, ठीक है, ये वाला रख लिए, इसको दूसरी ओर भेजें, माइनस में बी डी टेन अल्फा बराबर, देखिए इसको हमने उस ओर भेज दिया तो यह आपको बचा रह गया, तो हो गया बराबर में एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा शायद आपको दिखाई दे रहा हो, एच टेन अल्फा, इसलिए यहां से बी डी कॉमन ले लिए, तो बी डी कॉमन ले लिए तो बच गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर में एच टेन अल्फा, इसलिए यहां से बी डी का मान निकाल दिए, तो बी डी बराबर हो जाएगा एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यही आपको प्रूव्ड करना था, शायद मैं एक बार देख लूं आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, चलिए दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे हम, थोड़ा छोटा लिख पाया हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा आप ध्यान से रुक करके देख लीजिएगा, आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 आपको जहां समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से एक चरचस्पात्रा के बिंदु का उन्नयन कोण, मान लीजिए एक चरचस्पात्रा है, चर्च है, मानो चर्च एक प्रकार का मंदिर है, चर्च, चर्च अस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण, चर्च अस्पात्रा का उन्नयन कोण, मान लीजिए कि इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है, कहता है 45 डिग्री मैंने बना दिया, कहता है चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, देखिए चर्च मैंने यहां कहा था तो इसको और 30 मीटर आना है, इसी और 30 मीटर आना है, मैं चर्च थोड़ा बड़ा बना लूं, चर्च यह है, यहां पर मैं मान लिया कि चर्च उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यह अब यह चर्च था, अब कहता है कि चर्च की ओर 45 डिग्री, चर्च की ओर 30 मीटर जाने पर, देखिए यह चर्च की ओर 30 मीटर जाना है तो और चर्च की ओर आएगा, तो 30 मीटर इधर आ गया, 30 मीटर यह इधर आ गया, मान लीजिए यहां पर आ गया, 30 मीटर जाने पर यूनियन कोण 60 डिग्री होता है, अब इसका यूनियन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो कहता है कि चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई आपको फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी आप उसी तरह फाइंड कर दीजिए, तो आपको चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई, तो ध्यान से देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, चूंकि यहां पर आपको हो गया बी सी बराबर बी डी प्लस में 30 मीटर और इसका ऊंचाई निकालना है, तो एक बार आप ए बी सी में चल दे, एक बार ए बी डी में चल दे, आपका आंसर आ जाएगा, चूंकि चर्च अस्पात्रा क्या है, आपको ए बी है, ए बी बराबर एच मान सकते हैं, और आपको कह रहा है चूंकि बी सी बराबर बी डी प्लस 30 मीटर, आप चल दीजिए एक बार, अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मैं चल रहा हूं, तो देखिए इसको जरूरत है, अभी जरूरी है, दोनों में शामिल है, तो टेन थीटा बराबर, जो दोनों में शामिल है उसको आना जरूरी है, टेन थीटा बराबर होगा आपको ए बी बट्टा में बी सी, और बड़ा त्रिभुज टेन थीटा के जगह पर टेन कितना डिग्री है, 45 डिग्री, बड़ा त्रिभुज ए बी सी का कोण 45 है, तो 45 ए बी के जगह पर आपको, चाहे तो आप ए बी के जगह पर एच रख सकते हो, बी सी के जगह पर देखिए बी सी के जगह पर है बी डी प्लस 30, अब टेन 45 का वेल्यू 1 बराबर एच प्लस बी डी प्लस 30, और इसलिए आप एच बराबर निकालोगे तो बी डी प्लस 30 हो जाएगा, आपको एच का आंसर निकालना है, समीकरण 1 कर दीजिए, फिर आप चल दीजिए, फिर छोटा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, अब छोटा त्रिभुज में आप चलिएगा तो होगा आपको टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, अब टेन कितना डिग्री हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, और ए बी के जगह पर एच और बी डी के जगह पर आपको क्या हो जाएगा, देखिए बी डी के जगह पर आप बी डी छोड़ दीजिए, अब टेन 60 डिग्री के वेल्यू रूट 3 हो जाएगा,
एच बटा बी डी हो जाएगा। आपको जरूरत किसका है, एच का, तो जिसका नहीं है उसको पटक दीजिए। इसलिए बी डी बराबर, यहाँ से आप मान निकालेंगे तो देखिए एच बी डी बराबर रूट थ्री, एच बटा रूट थ्री होगा। यानी बी डी के मान को आपको जरूरत नहीं है, तो बी डी के मान को आप एक में रख दीजिए। अब बी डी का मान, बी डी का मान समीकरण एक में, जब बी डी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो आप एच का मान निकाल लोगे, तो एच बराबर हो जाएगा, देखिए बी डी के जगह पर एच बटा रूट थ्री प्लस में कितना, तीस। अब इसको नीचे एक मानिए तो आप यहाँ हो जाएगा रूट थ्री, यहाँ बी डी के जगह पर एच पर, तो आ जाएगा आपको एच प्लस थ्री रूट थ्री, और बट्टा में यहाँ आ जाएगा, अगर हम यहाँ से त्रिक गुना कर दे एच बराबर, देखिए ऐसे, तो आपको त्रिक गुना करके क्या होगा, देखिए होगा रूट थ्री एच बराबर एच प्लस तीस रूट तीन। तो इस एच को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा रूट थ्री एच माइनस एच बराबर तीस रूट तीन। अब देखिए एच को हटा लेंगे बाहर तो बचेगा रूट थ्री माइनस वन बराबर में तीस रूट तीन। अब आप एच बराबर मान निकालिएगा तो तीस रूट थ्री। अब देखिए आप दो तरह से आप इसको बना सकते हो, यहाँ भेजिएगा रूट थ्री माइनस वन, तो अब आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, परमेकरण रूट थ्री बटा वन बटा रूट थ्री प्लस वन, तो ऊपर में गुना जब इसको से करिएगा तो देखिए आपको एच बराबर मिलेगा। देखिए इससे करेंगे तो तीस ती एक नब्बे प्लस तीस रूट तीन होगा, और नीचे होगा तीन में से एक जाएगा तो दो होगा, ठीक है। और इस तरह से आप एच बराबर नब्बे, ये नब्बे है और प्लस तीस है, तो आप दोनों के जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, तीस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा तीन प्लस रूट तीन बट्टा में कितना हो जाएगा दो। देखिए तीस तीन नब्बे कट जाएगा पंद्रह। अब आपको आ गया एच बराबर पंद्रह इंटू थ्री प्लस रूट थ्री, अब आपको आ जाएगा पंद्रह इंटू थ्री प्लस एक दशमलव सात तीन दो बराबर में पंद्रह गुने चार दशमलव सात तीन दो। आप हमें इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एच का मान आपको पंद्रह चौके साठ, लगभग आपको, लगभग आप कह सकते हैं कि सत्तर के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं कि आपने इसका आंसर कितना पाया, चौतीस के आंसर ठीक है, लगभग आना चाहिए सत्तर के आसपास। आगे हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं, इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं उन्नयन कोण अवनमन कोण में संबंध को बता चुका हूं, और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत उपयोगी है। कहता है एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं, मान लीजिए कि एक हेलीकॉप्टर पायलट है, तो पायलट है तो उड़ा रहा होगा 1000 मीटर की ऊंचाई पर जहाज को उड़ा रहा है। अब कहता है 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए जो दो जहाजों को देखता है, इधर मान लीजिए कि वह दो जहाज को, एक ओके इधर देखा है, यह उड़ते हुए पहला जहाज को देख लिया मानिए यहाँ पे, ठीक है, और एक जहाज को उसने इधर उड़ते हुए देखा। तो कहता है जिनके अवनमन कोण क्रमशः, हमने आपको बताया अवनमन कोण कोई क्या बना सकते है कि इधर भी मान लीजिए इधर अवनमन कोण 45 है, इधर अवनमन कोण 60 है, तो हम जानते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे आप बना दीजिए, यह आ गया, आप इसको भी आप बना दीजिए, यह आ गया, तो यह 45 तो यह भी 45, यह 60 तो यह भी 60 होगा। तो कहता है कि दोनों वायुवानों के बीच की दूरी याद करें, देखिए पहला वायुवान यहाँ है, दूसरा वायुवान यहाँ है, तो बीच की दूरी सिंपल है। अब आप ए बी सी डी, अब यहाँ से यहाँ तक आप वायुवान की ऊंचाई निकाल दीजिए, बी सी प्लस सी डी निकाल दीजिए, यह दोनों की दूरी हो जाएगा। तो अब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ए सी बी में चलिए, एक बार ए सी डी में चलिए, दोनों का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा। हमको इसको और इसको मान जरूरी है, ये दोनों में शामिल है, देखिए यह दोनों में शामिल है
और इसको इसको जरूरी है तो ये दोनों में शामिल है तो जाएगा, इसको और इसको जरूरी है तो एक बार इधर चलेंगे तो इसको और इसको शामिल कर लेंगे यानी टेन देगा, दूसरी ओर चलेंगे तो यह और यह शामिल होगा यह भी टेन देगा। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर यह 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है तो चलेंगे अब चित्र से, चित्र से चल दीजिए, आपको मान निकालना है चित्र से बी सी प्लस सी डी बराबर व्हाट। अब त्रिभुज ए सी बी में आप कोई में चल सकते हैं, त्रिभुज ए सी बी में चलिएगा तो होगा टेन थीटा बराबर ए सी बट्टा बी सी, देखिए ना ए सी लम पी पी बट्टा बी ऐसे होगा तो टेन थीटा की जगह पर इसमें कितना है टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर ए सी के जगह पर कितना है 1000 और बी सी के जगह पर देखिए बी सी के जगह पर हमको बी सी का मान फाइंड करना है, टेन 45 के वैल्यू 1 बराबर में 1000 बट्टा में होगा बी सी, इसलिए आप बी सी का मान निकालोगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 1000 मीटर में है तो मीटर आ गया। फिर चल दीजिए फिर दूसरा त्रिभुज में, फिर त्रिभुज ए सी डी में, जब त्रिभुज ए सी डी में आप चलिएगा तो देखिए इसको हमको जरूरत है यह दिल है तो फिर इसको और इसको शामिल करेंगे तो होगा टेन थीटा बराबर ए सी बट्टा, तो ए सी बट्टा सी डी देखिए ना ऊपर तो हो जाएगा ए सी बट्टा सी डी। अब उसी तरह जब हम यहाँ से मान निकालेंगे टेन कितना डिग्री देगा अब 60 डिग्री और ए सी के जगह पर देखिए 1000 मीटर फिर से है और सी डी के हमको मान निकालना है, इसलिए टेन 60 डिग्री के वैल्यू होगा रूट थ्री बराबर में 1000 बट्टा में सी डी, यहाँ से सी डी का मान निकाल लीजिए सी डी बराबर त्रिया गुना होके हो जाएगा 1000 बट्टा में रूट थ्री। अब आप अपने हिसाब से इसको फाइंड कर सकते हैं, इसलिए आपको हो जाएगा देखिए मान आ जाएगा आपको, मान किसका निकालना है सी डी और बी सी का, इसलिए अब चल दीजिए अब दूरी बी सी प्लस सी डी बराबर, तो बी सी के मान आप कितना रखिएगा, बी सी के मान आल है आपको 1000 और सी डी के मान आपको कितना आल है 1000 बटा रूट थ्री। तो अब आप इसको कैसे बना सकते हो कि देखिए अब आप चाहें तो आप 1000 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो 1000 कॉमन लीजिएगा तो 1/1 प्लस रूट थ्री हो जाएगा तो आपको आ जाएगा 1000 गुने रूट थ्री प्लस 1, या चलिए सिंपली ऐसे आप इसको मान निकाल दीजिए, आप 1000 को 1000 छोड़ दीजिए मीटर और इसको देखिए जब आप ऐसे करिएगा तो 1000 बटा रूट थ्री गुने रूट थ्री बटा रूट थ्री। अब यहां से आप फिर से मान निकाल दे सकते हैं 1000 प्लस में देखिए ऊपर में हो जाएगा 1000 गुने 1.732 बटा में हो जाएगा आपको 3। अब आप जितना भी मान आ रहा है 7 × 1 = 8 × 6 = 14 आप इसको भागा दे करके जोड़ दीजिए, लगभग ये हो जाएगा 1000 प्लस में देखिए ये गुना हो जाएगा तो 1732 हो जाएगा, देखिए ना ये गुना होकर 1732 दे देगा बट्टा में 3 और 1000 से 1000 ये 3×5 = 15, 2×23 = 321, 321 = 2×22 = 321 मतलब आपको अप्रोक्सीमेट आपको 577 पॉइंट कुछ वेल्यू आएगा, मान लीजिए 5 आप निकाल सकते हैं, इसलिए दूरी बराबर आ जाएगा आपको दूरी बराबर लगभग 1575.5 मीटर। आप गुना करके सही से मान भागा देकर के लिख दीजिए आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, यह क्वेश्चन नंबर 34 का शायद पहला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 34 का, यह क्वेश्चन नंबर सॉरी माफ कीजिए यह क्वेश्चन नंबर 35 का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 का पहला प्रश्न है। आप क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा सेम प्रश्न बना सकते हो, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे, देखिए समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, सेम प्रश्न है, लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों है, यहाँ कह रहा है कि एक ही ओर दोनों कोण है ऐसे उन्नयन कोण अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो देखिए 30 और 45 यहाँ 30 मानिए या 30 और 45 तो यहाँ 30 और यहाँ 45 आप फाइंड कर दीजिए यह आपको आंसर आ जाएगा। आए चलते हैं
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, आगे भी आपके लिए सोल्यूशन उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।